आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में वीडियो क्लिप 5 के माध्यम से हम लोग सम अदर डिटरमाइनर्स के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सम अदर डिटरमाइनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी स्टार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन सम एंड एंड। हम देखेंगे कि कहां सम का प्रयोग किया जाता है और कहां एनी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस और एनी इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए होता है और एनी का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लिखा गया, आई हैव सम ऑब्लिक एनी बुक्स। क्या आंसर होगा? ये सेंटेंस जो हम रोका है वो आपका पॉजिटिव है, ये सेंटेंस जो हम रोका है अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ एनी उपयुक्त नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एनी इज यूज इन निगेटिव सेंटेंस एंड सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो नाउ वी सिलेक्ट सम हेयर, तो हो जाएगा आपका आई हैव सम बुक्स, एनी जो है आपका इरर निकल जाएगा। अब लिखा गया आई हैव No, some, any, pen. अब लिखा गया आई हैव नो सम ऑब्लिक एनी पेन। अब आपका सेंटेंस यह स्पष्ट है, यह सेंटेंस जो है नकारात्मक वाक्य है, यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ सम यूज नहीं होगा, यहाँ उपयुक्त होगा एनी। तो आई हैव नो एनी पेन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सम का यूज अफर्मेटिव के लिए होता है, सम इज यूज फॉर ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज फॉर ओनली निगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि दोनों का प्रयोग सम का भी और एनी का भी, बोथ आर यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सम यूज करेंगे या एनी यूज करेंगे। आप सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल, यू डिपेंड ऑन यू व्हाट एवर यू यूज, बोथ आर यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Both are used in interrogative sentence. Example, I have some, sorry, interrogative, have you some oblique any money? Question mark. Sign of interrogation. Have you some oblique any money? तो यहाँ सम भी यूज हो सकता है और एनी भी यूज होता है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में जो है दोनों पॉसिबल है, सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, कोई एक सिलेक्ट कर देंगे दोनों आपका सही हो जाएगा, या तो सम ले सकते हैं या एनी ले सकते हैं। अब हम लोग सम अदर डिटरमाइनर्स के अंतर्गत अब हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि वेयर वी यूज मच मेनी एंड मेनी ए। अभी हम लोगों ने देखा सम और एनी का यूज, तो सम में हम लोगों ने देखा कि सम का यूज जो है काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मच मेनी और मेनी ए का यूज। तो ध्यान रखिएगा कि मच का प्रयोग ऑलवेज जो है अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, मेनी का प्रयोग जो है काउंटेबल के साथ किया जाता है, काउंटेबल, और मेनी ए का प्रयोग भी काउंटेबल के साथ ही किया जाता है। क्या बताया गया कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मेनी ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो उसके साथ आने वाला उस सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि हम लोग एसएसपीपी रूल के द्वारा जानते हैं
अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चूंकि हीरो ऑफ द सेंटेंस, मास्टर ऑफ द सेंटेंस, ऑनर ऑफ द सेंटेंस, प्रिंसिपल ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका पूरा खानदान सिंगुलर होगा, अर्थात रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच इन अ सेंटेंस ऑल्सो बी सिंगुलर बिकॉज योर सब्जेक्ट बी सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी गाइड अ सेंटेंस। इफ योर सब्जेक्ट बी प्लुरल देन रिमेनिंग पार्ट बी प्लुरल, बिकॉज योर सब्जेक्ट बी प्लुरल रिमेनिंग पार्ट बी प्लुरल, आई मीन वर्ब ऑल्सो प्लुरल, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच एज लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल पार्ट्स ऑफ ए स्पीच बी प्लुरल बिकॉज योर सब्जेक्ट इज प्लुरल। योर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, योर सब्जेक्ट प्लुरल देन वर्ब प्लुरल बिकॉज वी गाइड द सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट। Now here sentence, if your subject be singular, then remaining part be singular, if your subject be plural, remaining part be plural, because according to subject, we guide a sentence. Here, much is uncountable, uncountable noun is always singular, many is used for the countable noun. Countable में दो condition है, countable may be singular, may be plural, singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेनी का अर्थ होता है अधिक, अनेक, एक से अधिक, एक से अधिक हो गया तो स्वाभाविक है कि प्लुरल हो गया, तो यहाँ जो है मेनी के साथ जो काउंटेबल नाउन यूज होगा वह काउंटेबल यहाँ प्लुरल नाउन यूज किया जाएगा। मेनी का प्रयोग काउंटेबल प्लुरल के साथ होता है, जब नाउन प्लुरल होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका भर भी प्लुरल होगा। मेनी ए का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, मेनी ए इसे एक होने का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर नाउन होता है एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसलिए काउंटेबल में तो दो ऑप्शन है, सिंगुलर भी काउंटेबल होता है और प्लुरल भी होता है, तो मेनी काउंटेबल प्लुरल के साथ यूज होता है और मेनी ए काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा गया मच वाटर, ऑप्शन में मेनी भी डाल दिया गया, बोलिए क्या सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वाटर से हम लोग परिचित हैं, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है कि मच का, तो मच सिलेक्ट करेंगे, मेनी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब लिखा गया मेनी मच पेंस, अब यहाँ जो है नाउन जो है आपका काउंटेबल और ये नाउन जो है प्लुरल है, काउंटेबल है लेकिन कैसा है प्लुरल है, तो काउंटेबल प्लुरल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है, मच का यूज नहीं किया जाता है। अब यहां दिया गया मेनी या मेनी ए पेन, तो यहां हम देख रहे हैं कि पेन जो है नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है मेनी का प्रयोग सिलेक्ट किया जाता है, ये कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेनी बॉयज, मेनी बॉयज इज ऑब्लिक आर प्लेइंग, अब यहां देखते हैं मेनी बॉयज इज ऑब्लिक आर प्लेइंग इन द फील्ड, मेनी बॉय मेनी के साथ तो प्लुरल नाउन काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट भी प्लुरल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का गाइडर होता है, तो जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो इसका भर भी प्लुरल होगा, इसलिए यहाँ इज यूज नहीं होगा, आर यूज होगा, मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरह से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, हम समझते हैं कि आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। होमवर्क में आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फ्यू ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल के बारे में हम लोग सीखेंगे, ईच एवरी वगैरह के बारे में भी सीखेंगे। यही आपका होमवर्क है टू अंडरस्टैंड करना, दैट्स ऑल, विद थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ